तो कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही थी, और जब वो उसकी दोस्त विक्की से उसके घर पर बात कर रही थी तो हमें पता चलता है कि क्लेयर ने उसके पति को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, लेकिन उसने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया था। जहां जब विक्की को पता चलता है कि क्लेयर ने उसके पति को उसके बेटे केविन के जन्मदिन पर इनवाइट किया है तो वो उस पे और भी गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद हम क्लेयर के पति गैरेट को देखते हैं जो केविन को एक महंगा कंप्यूटर गिफ्ट में देता है, और फिर वो केविन और क्लेयर को वीकेंड पर फिशिंग करने को बुलाता है, जहां केविन मान जाता है और थोड़ा सोचने पर क्लेयर भी मान जाती है। लेकिन जब क्लेयर को पता चलता है कि गैरेट ने अभी भी उसकी सेक्रेटरी को काम से नहीं निकाला था तो वो कोई बहाना बना देती है और आने से मना कर देती है। अगले दिन जब क्लेयर केविन को उसकी मधुमक्खी की एलर्जी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो तभी उनके गैराज का दरवाजा खराब हो जाता है, जहां क्लेयर उसे पकड़ के खड़ी थी, और अचानक एक लड़का वहां आके उसकी मदद करता है। उसका नाम नोआ था और वो क्लेयर के पड़ोसी मिस्टर सनबोर्न का भतीजा था, जिसका कुछ दिनों में एक ओवन ऑपरेशन होने वाला था, और नोआ उनकी मदद करने आया था। नोवा देखता है कि क्लेयर के गैराज का क्लच खराब था और वो केविन को लेके नया क्लच लाने चला जाता है। जब वो दोनों एक दुकान में थे तो केविन को पता चलता है कि नोवा उसी की स्कूल में पढ़ने वाला था और उसकी माँ क्लेयर उसकी स्कूल में पढ़ाती थी। तभी वो वहाँ एली नाम की लड़की को देख के छिप जाता है, जो कि उसे पसंद थी और उसे उससे बात करने में डर लगता था, लेकिन फिर भी नोवा उसे हौसला देता है और हिम्मत जुटा के केविन उससे बात करने लगता है। लेकिन तभी कुछ शरारती लड़के वहाँ आके केविन को परेशान करने लगते हैं जो उसकी स्कूल में पढ़ते थे, और नोवा ये देख लेता है, जिसके बाद वो क्लेयर के गैराज का दरवाजा ठीक कर देता है और वो खुश हो जाती है, जहां रात में क्लेयर नोवा को उसकी खिड़की से देख रही थी जो मिस्टर सनबर्न की मदद कर रहा था। जहां अगले दिन जब नोवा केविन को गाड़ी ठीक करना सिखा रहा था तो फिर क्लेयर उसे देखने लगती है, जहां वो उसे अच्छा लगने लगा था, और नोवा भी ये बात जानता था, जिसके बाद विक्की वहां आती है और वो सब लंच करने लगते हैं। जहां जब क्लेयर बर्तन धो रही थी तो उसे पता चलता है कि नोवा को भी उसकी तरह किताबें पढ़ने का शौक है, और वो दोनों बातों में खो जाते हैं, और ये चीज केविन और निक्की को अजीब लगती है। जिसके बाद वीकेंड आता है और गैरेट केविन को लेके फिशिंग करने चला जाता है, जहां नोवा देखता है कि क्लेयर अकेली थी, और वो तुरंत उसके घर जाता है, जहां वो एक बहुत ही महंगी किताब उसे गिफ्ट में देता है जो क्लेयर को बहुत पसंद आती है, और फिर नोवा उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और क्लेयर शर्माने लगती है। रात में जब क्लेयर तैयार हो रही थी तो वो खिड़की से नोवा को देखती है जो अपने कपड़े बदल रहा था, और तभी नोवा उसे देख लेता है, जहां क्लेयर जल्दी से चली जाती है, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां विक्की ने उसके लिए एक आदमी के साथ डेट अरेंज की थी। लेकिन वो आदमी क्लेयर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे क्लेयर का काम पसंद नहीं था, और जब वो वहां दूसरी औरत को ताड़ने लगता है तो क्लेयर वहां से चली जाती है। घर आके जब वो शराब पी रही थी तो तभी उसे नोवा का कॉल आता है जो खाना बना रहा था, और उसका खाना जल गया। ये सुन के क्लेयर उसकी मदद करने उसके घर जाती है, और डिनर करने के बाद जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो धीरे धीरे नोवा उसके करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है, जहां क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जहां अगली सुबह क्लेयर को उसकी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से जाने लगती है, जहां नोवा उसे रोकता है, लेकिन जब क्लेयर उसकी बात नहीं सुनती तो वो गुस्सा करने लगता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। क्लेयर उस पे दवाई लगाती है और यहां गुस्से में नोवा उसे जाने को कहता है। कुछ देर बाद गैरेट और केविन वापस आ जाते हैं, और जब वो डिनर कर रहे थे तो तभी नोवा वाह आता है और क्लेयर ये देख के डर जाती है, जहां वो केविन को अपने साथ ले जाता है और क्लेयर राहत की सांस लेती है। रात में क्लेयर उसके पति से कहती है कि मैं वापस तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुम पे दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गैरेट उसे किसी तरह समझाता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए और अभी वो उसे तलाक ना दे, जहां क्लेयर मान जाती है। अगले दिन स्कूल में नया साल शुरू हो रहा था और जब क्लेयर अपनी पहली क्लास ले रही थी तो तभी उसका प्रिंसिपल नोवा को लेके आता है जो अब क्लेयर के क्लास में पढ़ेगा, और ये चीज क्लेयर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। घर आके जब वो देखती है कि केविन नोवा के साथ जा रहा था तो क्लेयर नोवा को बाहर भेजती है और केविन से कहती है कि आज रात गैरेट उनके साथ डिनर करने आने वाला है, इसीलिए वो जल्दी घर आ जाए, और वही नोवा ये बात सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने अंकल की बंदूक लेके केविन के साथ शूटिंग करने लगता है, और यहां वो उसे उसके पिता के खिलाफ उपसाने
लगता है, जहां रात में जब वो डिनर कर रहे थे तो नोवा की बातों में आके केविन उसके पिता पे गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन बॉक्सिंग करते हुए नोवा केविन को फिर कहने लगता है कि हमें तुम्हारी माँ को भी गैरेट से दूर रखना होगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और क्लेयर का फायदा उठा रहा है, जहां केविन गुस्से में आ जाता है और तभी उसे कुछ होने लगता है, जहां नोवा जल्दी से उसकी एपिपेन लेके उसे एक शॉट मारता है जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद एक दिन स्कूल में क्लेयर के लिए गैरेट ने एक गुलदस्ता भेजा था और उससे माफी मांगी थी, लेकिन जब वो उसे कॉल करती है तो उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और क्लेयर समझ जाती है कि ये नोवा का काम है। वो सीधा उसके पास जाती है और उससे दूर रहने को कहती है, जहां नोवा बस उससे माफी मांगना चाहता था। ये सुनकर वो दोनों एक समझौता करते हैं। वही दूसरी तरफ केविन एली के पास जाके उसे अपने साथ डेट पर बुलाता है, जहां पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर जब नोवा वहां आता है तो वो मान जाती है और ये सुन के केविन खुश हो जाता है। जिसके बाद रात में जब गैरेट और क्लेयर फिल्म देख के वापस आते हैं तो गैरेट उसे किस करने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे रोकती है क्योंकि उसे थोड़ा और समय चाहिए था। जहां वो गैरेट को आज रात यहीं रुकने को कहती है, वही जब नोवा गैरेट की गाड़ी देख लेता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो क्लेयर के बदन को भूला नहीं पा रहा था। जहां अगले दिन जब गैरेट चला जाता है तो नोवा क्लेयर के पास आके उस पे गुस्सा करने लगता है और जब केविन वहां आता है तो नोवा उसे अपने साथ आने को कहता है, जहां केविन भी उसकी बातों में आ जाता है और उसकी माँ पे गुस्सा करके नोवा के साथ जाने लगता है। यहां तक कि स्कूल में जब वो लड़के फिर केविन को परेशान कर रहे तो नोवा वहां आके उनमें से एक लड़के का बैंड बजाने लगता है और जब विक्की उसे रोकती है तो नोवा उसे भी धक्का मार देता है। ये देख के विक्की नोवा पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि पिछली स्कूल से भी नोवा को इसी वजह से निकाल दिया गया था, जहां जब वो उसकी बेइज्जती करता है तो वो उसे निकाल देती है। दूसरी तरफ आज केविन की एली के साथ डेट थी और वो काफी खुश था। जहां स्कूल में जब वो एली से मिलता है तो वो क्लेयर को बताती है कि उनके बाथरूम में कुछ दिक्कत है और जब क्लेयर वहां जाती है तो बहुत सारा पानी लीक हो रहा था, जहां अचानक नोवा उसके सामने आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्लेयर उसे धक्का मारती है और कहती है कि तुम कभी भी गैरेट की जगह नहीं ले पाओगे और वहां से चली जाती है। रात में क्लेयर अपनी खिड़की से देखती है कि नोवा एली के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो समझ जाती है कि वो दोनों मिले हुए हैं। जहां अगले दिन क्लेयर स्कूल आके देखती है कि नोवा ने उसकी क्लास में उन दोनों की तस्वीरें लगा दी थी, जहां वो जल्दी से उनको निकालने लगती है और उनका प्रिंसिपल देखता है कि सारे बच्चे बाहर खड़े थे और इसके पहले कि वो अंदर आई क्लेयर सारी तस्वीरें छिपा देती है और बाहर आती है, जहां वो कुछ बहाना बना के जैसे तैसे बच जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद गैरेट केविन को लेने आता है जो उसे उसकी कार ड्राइव करने देता है। केविन अभी भी गुस्से में था और गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा था, जहां अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और वो दोनों पैनिक करने लगते हैं। केविन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक जगह वो क्रैश कर जाते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। वही जब क्लेयर घर आके उनकी गाड़ी में डेंट देखती है तो वो चिंता में आ जाती है, लेकिन गैरेट कोई बहाना मार देता है। जहां जब वो नोवा को उनके साथ देखती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। अकेले में नोवा क्लेयर को बताता है कि उसके पास उन दोनों का वीडियो है और अगर आज रात वो उसके घर नहीं आई तो वो वीडियो उसे केविन को दिखाना पड़ेगा। क्लेयर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रात में वो उसके पास जाती है, जहां वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नोवा उसकी बात नहीं मानता और उसके करीब आने लगता है। क्लेयर उसे रोकती है और उस पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जो कि नोवा को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन क्लेयर विक्की को सब बता देती है और ये सब देखकर विक्की कहती है कि उसके पास एक प्लान है, जहां स्कूल के बाद क्लेयर जब घर जा रही थी तो नोवा उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है उसकी गाड़ी में क्लेयर नहीं बल्कि विक्की थी। ये देख के वो जल्दी से उसके घर जाने लगता है, जहां क्लेयर उन दोनों का वीडियो ढूंढ रही थी, जहां उसके बेसमेंट में क्लेयर को नोवा का लैपटॉप मिलता है जिसमें उन दोनों का वीडियो था, जिसे वो जल्दी से डिलीट कर देती है। लेकिन उसे दो और फोल्डर दिखते हैं जिसमें गाड़ी की ब्रेक फेल करने का तरीका था। ये उसे अजीब लगता है और वो जल्दी से घर वापस आती है और जब वो विक्की को सब बताती है तो वो पुलिस के पास जाने को कहती है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है और क्लेयर जल्दी से एक चाकू लेके खड़ी हो जाती है, लेकिन वो केविन था और क्लेयर राहत की सांस लेती है। जहां दूसरी तरफ नोवा विक्की को बेहोश कर देता है और जब क्लेयर एक डिटेक्टिव से मिलती है तो उसे पता चलता है कि नोवा के माता पिता की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी, जिसकी ब्रेक फेल हो गई और क्लेयर समझ जाती है
है कि नोआ ने ही उनको मारा है। वही नोआ केविन और उसके पिता को विक्की के घर कुछ बहाना मार के बुलाता है और हम देखते हैं कि उसने विक्की को बंदी बना लिया था। तभी विक्की के फोन पर क्लेयर का कॉल आता है और नोआ विक्की के एक रिकॉर्डेड मैसेज से उसको भी उसके घर बुलाता है। रात में जब क्लेयर वहां आती है तो पूरे घर में अंधेरा था और तभी अचानक उसके ऊपर विक्की की लाश गिरती है और उसे देख क्लेयर डर के मारे बाहर चली जाती है, लेकिन नोआ उसे पकड़ लेता है और विक्की के बार्न में ले जाता है जहां उसने गैरेट और केविन को बांध के रखा था। जब वो गैरेट के साथ केविन को मारने की बात करता है तो क्लेयर उसके पास आके उसे समझाने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो क्लेयर उस पे हमला कर देती है और केविन को छुड़ाने लगती है, लेकिन उसके पहले नोआ उसे पकड़ लेता है और पूरे बार्न में गैसोलीन छिड़क के वहां आग लगा देता है। जहां जब वो क्लेयर को मार रहा था तो गैरेट जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है और नोआ पर हमला कर देता है, लेकिन वो गैरेट को गोली मार देता है और ये देख के क्लेयर उसकी आंख में केविन की एपिपेन गुस्सा देती है और फिर एक इंजन उसके ऊपर गिरा के उसे मार डालती है। अगले सीन में पुलिस वहां आ गई थी और वो गैरेट को अस्पताल ले जा रहे थे, जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।